गाइस गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं रितिक खोरा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हरी मधुर लाइफस्टाइल में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक व्लॉग एंड किया है और दूसरा व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने उसी में बताया था, बच्चे सब लंच करके चले गए हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं। हेमल ऑलमोस्ट मेरा नीचे वेट कर रहे हैं, बिकॉज क्या है ना कि अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम को वहां पे बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक हो जाता है, तो अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया है। सो सबसे पहले हनुमान दादा के दर्शन कर लेते हैं और वापस वहां से आने के बाद ही लंच करेंगे। सो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग जा रहे थे हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए, बट हमारे पोरबंदर में ना आज हनुमान दादा की बजरंग दल की तरफ से यहाँ पे रैली होती है। तो अभी ना सब लोग इसमें जुड़ रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में ना पूरे पोरबंदर में रैली निकलती है। तो अभी वो आप लोगों को दिखाते हैं। और हर साल ना ये लोग इसी तरह से रैली लेके पूरे पोरबंदर में जय श्री राम का नारा लगाते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। परचम लहरा के आए है भगवाधारी, हर दुश्मन की लंका लगा के आए है भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवाधारी, हर रावण की लंका जला के आए है भगवाधारी। कालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश, अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग, सार समुद्र ये लांगे महाबली रुद्रंश, सिंह का कवच करके पहुँच लंका बजरंग, सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचाए, संदेश आएंगे श्री राम लखन जल्दी बात करे फल दे, खुश हुई कुल देवी सीता जगत जन दे। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, माता अंजनी के लाल महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए है भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए है भगवाधारी। करे अनुबंध अशोक वाटिका विध्वंस, सारे राक्षसों का मर्दन हा करे मेरे बलवंत, अक्षय कुमार अंत करे महाबली हनुमंत, वानर वीर गाथा सुन राक्षस राज कै बंध। आया मेघनाद कर्ण बजरंग बलि वशीत चलाया, जो ब्रह्मास्त्र पंचमुखी हुए अधीन, ब्रह्मा जी का सम्मान करे हुए ये अस्त्र बंदित, रावण की महासभा में हनुमंत उपस्थित, क्रोधित अपमान से रावण कर्म कांड से, चेतावनी लंकेश को दे दी शब्द बाण से, दुष्ट मान नहीं ज्ञान से अनमोल वचन दान से, लगा दी अग्नि पूछ में हनुमान के। अब तांडव हुआ शुरू रावण का टूटा गुरु, रुद्र रूप धारण हनुमंत बने युद्ध गुरु, अग्नि देव भी प्रसन्न हनुमंत संग। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, राजा केसरी के नंद महाबली की जय, अरे बोल। तो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ वापस से घर पे। चले पहले हम लोग गए थे हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए और सडनली ही क्या हुआ कि वहां पे ना जो हमारे पोरबंदर के सुदामा चौक है वहां पे से हर साल निकलती है जो बजरंग दल वाले हैं वो ना वहां से बाइक रैली निकालते हैं और सब लोग ना श्री राम के जयकारे के साथ पूरे पोरबंदर में हमारे वो रैली पूरे पोरबंदर में वो लोग जाते हैं बाइक रैली निकालते हैं। सो बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। तो हम लोग गए थे हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए। सो उसी टाइम पे हमें पता चला कि अभी यहीं से रैली निकल रही है, तो वो सब कुछ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिलहाल अभी मैं घर पे आ गई हूँ, अभी लंच करना बाकी है हमारा। सो सबसे पहले तो हेमल अभी आएंगे तो हम लोग हमारा लंच फिनिश करेंगे और अभी थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी, सो माता रानी की पूजा वगैरह भी करेंगे। A few moments later. Hey guys, good evening. तो वापस से हम लोग रेडी हो गए हैं। मैं यहाँ पे रेडी हूँ और हेमल यहाँ पे रेडी है। हाय हेमल, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।
चलिए तो आज का दूसरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। सो आप ना थोड़ा, हम लोग जल्दी जल्दी में थे इसलिए मेरा नीचे वेट कर रहे थे। हम लोग गए थे वैसे दर्शन करने के लिए और मिल गए हम लोगों को बाइक रैली। सो वो भी व्यूअर्स के साथ शेयर किया है। अभी फिलहाल वहाँ से आने के बाद ना हम लोगों ने लंच भी फटाफट से कर लिया है और वापस से रेडी हो गए हैं। दोपहर को ना इसलिए गए थे वहाँ पे सुदामा चौक जो टेम्पल है ना, सुदामा चौक पे हनुमान जी का टेम्पल। यस, दोपहर को इसलिए गए थे क्योंकि अभी ना प्रसाद सब आरती के बाद वहाँ पे जो लड्डू का प्रसाद है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा वहाँ पे रश रहता है, इसलिए हम लोग पहले ही दर्शन कर ले। मैंने वैसे व्यूअर्स को बताया कि इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से वहाँ पे दर्शन करने के लिए चले गए थे। फिर अब जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह। यस, अभी ना हम लोग दूसरे टेम्पल्स पे जा रहे हैं। अब कहाँ पे वो टेम्पल को पता है, मुझे नहीं पता है। चलिए तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। सो चलिए हेमल। देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा रश है, ये सुदामा चौक वाला जो टेम्पल है ना वहाँ पे, और यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगाई है तो सीधा दर्शन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से सब कुछ लाइन लाइन है। हम इस तरफ कहाँ पे जा रहे हैं, आगे तो हाईवे है, टेम्पल पे इस तरफ हाईवे कहाँ पे गए टेम्पल पे, कहाँ टेम्पल। चलिए अभी वहाँ पे जाके ही बताते हैं कि हम लोग कहाँ टेम्पल पे जा रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे हम लोग आने वाले थे। तो आज हम लोग आए हैं सिलोकरिया हनुमान दादा के टेम्पल पे। तो चलिए चलते हैं अंदर, हनुमान दादा के दर्शन करते हैं। लोग टेम्पल के अंदर पहुंच गए और अंदर देखिए कितना चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। और यहाँ पे ना फंक्शन भी स्टार्ट है आज, यहाँ पे हनुमान दादा के भजन वगैरह है और यहाँ पे बहुत अच्छा फंक्शन भी स्टार्ट है। तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं और हनुमान दादा के दर्शन कर लेते हैं। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड सामना। इस टेम्पल के अंदर हम लोग आ गए हैं और बहुत अच्छी तरह से दर्शन भी हो गए हैं और देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन वगैरह सब कुछ किया है। सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई उत्षठ माया। चलिए तो श्री राम भगवान के दर्शन कर लिए हैं, उससे भी ऊपर चलते हैं और पूरा व्यू दिखाती हूँ हम लोगों को। अभी कितना ऊपर जाना है, अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। देखिए अभी वहाँ पे भी ऊपर जा सकते हैं, बट मैंने यहाँ से ऊपर आ गया, मैंने व्यू दिखा दी अच्छी तरह से। तो गाइस देखिए ये प्यारा सा सब्सक्राइबर वापस मिला है रुद्राव, तो वो कुछ बोलना चाहता है। हाय हनुमान जयंती, जय जय बधाई। बाय बाय। ये ना छोटा सा और सेकंड टाइम सब्सक्राइबर मिला हो, इतना खुश हो जाता है ना जब भी मिलता है। तो वो दौड़ के आता है और बोलता है कि मैं वीडियोस बहुत देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है उसके साथ बातें करना। उसकी मम्मी बोल रही थी कि फोन ले लेता है वीडियोस देखने के लिए। चलिए तो अभी हेमल चलो ऊपर चलना है, चलिए वहाँ पे ऊपर चलते हैं। I never thought I'd feel like this.
मजा आया दर्शन करके, बहुत मजा आया। और ये वाले टेम्पल में ना जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी ना तब से आती हूँ, वो भी रात के टाइम पर भी बस यहाँ पे अकेला होता है तो बच्चों को तो वही पसंद होता है ना। यहाँ पे आके बहुत मन को शांति मिलती है। देखिए अच्छा सब यू दिखाऊं? देखो वाह नाइस, साथ में यहाँ पे श्री राम भगवान और हनुमान भगवान के वचन का स्टार्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वाइब आ रही है, बहुत अच्छा। चले तो अब यहाँ पे दर्शन हो गए हैं, अब वापस से चलते हैं हम लोग नीचे। सो गाइस देखिए यहाँ पे दूसरे भी छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। हाय, क्या नाम है तुम्हारा? अभी तुम्हारा क्या नाम? क्या नाइस टू मीट यू। वीडियोस देखते हो तुम? अच्छा लगता है वीडियोस देखना। बाय। सो गाइस देखिए कितना प्यारा भजन आ रहा है ना, ये मेरा फेवरेट वाला भजन है, इतनी मजा आता है कि ये भजन सुनने में। अभी देखिए हम लोग ऊपर है ना तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट सुनाई बहुत अच्छा दे रहा है। गाइस अभी हम लोगों ने तो दर्शन कर लिए हैं और देखिए अभी कितना ज्यादा ही रश भर गया है, चारों तरफ पब्लिक 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 हो गया। अभी हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। मेरा तो पूरा दिन कहाँ पे चला गया ना पता ही नहीं चला। सुबह भी वो हम लोग गए थे हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए, फिर बच्चे लंच करने आए थे, बहुत ज्यादा मजा आया। और शाम को हम लोग जहाँ पे हनुमान दादा के टेंपल पे गए थे वहाँ पे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मिल रहे थे, तो सबको दिल से थैंक यू कि हमें इतना सपोर्ट करते हैं और हमारे वीडियोस आप लोगों को इतने अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिलहाल आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।